हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आज मैं आपके लिए चीरा लेकर आई हूँ जिसे सूजी और बेसन से बनाएंगे, और मैं बहुत ही इजी वे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले किचन में और बनाते हैं चीला। इंस्टेंट सूजी का चीला बनाने के लिए हमने लिया है सूजी, एक बाउल ले ले, दही डेढ़ कप ले लें आप, बेसन 4 चम्मच, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, राई, चीनी, कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, और ये इनो लिया है, ऑयल, पानी। बाउल ले लिया है, बाउल में दही डाल देते हैं। पिंच हल्दी, हाफ से कम लाल मिर्च, प्याज डाल देते हैं। हरी मिर्च, चीनी, 4 स्पून बेसन डालेंगे। अब सूजी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसमें सूजी का बन रहा है, तो ये सूजी 10 मिनट के लिए इसको हम ढककर रखेंगे और ये सूजी फूल जाता है, तो ये सारा पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा सूजी में। हाफ स्पून नमक डाल लेते हैं। बैटर बनकर तैयार है और इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब ये लिड को उठाकर देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया मिक्स कर देते हैं, आपके पास धनिया हो तो आप धनिया डाल देना, और हाफ स्पून आप इनो डाल देना और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये काम आपको कब करना है, जब आप इसको चीला बनाने के लिए एकदम रेडी होते हो, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो क्योंकि बहुत ही गाढ़ा हो गया है, और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखोगे कितना फ्लफी टाइप का हो गया ये, इसके अंदर नमक भी है, चीनी भी है, खट्टा मीठा सब कुछ, बहुत ही टेस्टी है। अब हम चलते हैं और बनाते हैं चीला। तवा को गर्म कर लिया है, इसके अंदर ऑयल डालते हैं, राई, थोड़ी सी राई डालते हैं। राई जब चटकने लगे तो बैटर अब डालते हैं। और अभी स्लो रखते हैं, फ्लेम हम स्लो रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। टर्न कर लेते हैं, देखोगे आप कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया। 1 मिनट हो गया, इस साइड भी देख लेते हैं, ये इस तरह हो गया गोल्डन ब्राउन, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो गया। तो टर्न कर लेते हैं, गैस को ऑफ कर दे, प्लेट में निकाल लेते हैं। इंस्टेंट चीला बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी है। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए आप तुरंत बना सकते हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।